एक्सक्यूज मी मैडम। अरे शीतल तू और यहाँ पे? सुमित तुम यहाँ कैसे हो? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बिल्कुल ठीक नहीं नजर आ रही। मतलब इस गैरेज में काम करती हो तुम? वाह जी वाह, कॉलेज की टॉपर एक गैरेज में मैकेनिक है। नहीं नहीं सुमित, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तो, अरे मैं तो क्या, मुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ पे मैकेनिक है। तेरी वैसे सैलरी कितनी है? 5,000 10,000 बस इतनी होगी ना? तुझे पता है मेरे घर के नौकर और मेरा ड्राइवर तुमसे ज़्यादा कमाते हैं। और तुम्हारा जो हाल देख रहा हूँ ना मैं, मुझे तरस आ रहा है। एक काम करता हूँ, तुम ना मेरे यहाँ पे नौकरी कर लो। नौकरी तुम्हारे लिए, हाँ झाड़ू पोछा तो कर ही लोगी। वैसे मेरे घर पे ना झाड़ू पोछा कर लेना और टाइम पे चाय देते रहना सुबह शाम। हाँ तुम्हारी सैलरी तुम्हारी औकात के हिसाब से 25,000-30,000 चलेगा ना? इतने में तो तुम्हारा घर भी चल जाएगा। तू कॉलेज में टॉपर थी ना, और सारे टीचर्स को तेरे पे प्राउड भी फील होता था। अब एक काम करते हैं, उन सारे टीचर्स को है ना यहाँ ले आते हैं, उन्हें भी तो पता लगे जिसमें वो प्राउड फील करते थे वो है क्या यहाँ पे, सिर्फ एक मामूली सी मैकेनिक। अरे सुमित तुम गलत समझ रहे हो, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ नहीं है वो। सुन मैं तुम जैसे ना 2 करोड़ के मैकेनिक की बात भी नहीं सुनता, क्योंकि मेरे पास इतना फालतू का टाइम है नहीं। वैसे भी ना गाड़ी देख के लग नहीं रहा कि गाड़ी ठीक हुई होगी, मेरे को बहुत काम है। तो मेरी गाड़ी है ना टाइम से घर पर भिजवा देना, मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। अरे आ गया सुमित बैठ। मैंने उस मीटिंग के बारे में ना मैम से बात कर ली है, बस मैम आती ही होंगी। अरे हर्षित तू नहीं होता ना यार, तो ये काम पॉसिबल ही नहीं था। हाँ अरे मैम आ गई। क्या बोल रहा है, ये मैडम है? हमें से बोलो यार मैम है। क्या हुआ सुमित? अच्छा तुम ये सोच रहे हो कि अगर मैं इस कंपनी की बॉस हूँ तो मैं वहाँ पर क्या कर रही थी? मैं बताती हूँ, वो एक्चुअली क्या है ना, वो गैराज मेरा है और वहाँ के सारे लेबर्स लंच पे गए थे, और वो गाड़ी ना तुम्हारी थी जो वो अर्जेंट में चाहिए थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका काम कर दूँ। और तुमने मुझसे क्या बोला था कि मैं टॉपर थी बट फिर भी मैं ये नहीं कर पाई वो नहीं कर पाई। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, आज के टाइम पे ना ऐसी मेरी 4 कंपनियाँ हैं, और हाँ तुम्हारी जैसी गाड़ियाँ तो नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ उनसे थोड़ी सी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ तो हैं मेरे पास। बात यहाँ पर ये नहीं है कि महंगी और सस्ती गाड़ियाँ हैं या बड़ी कंपनी है छोटी कंपनी है, बात यहाँ पे इंसानियत की है। सुमित तुम ये कैसे भूल गए, आखिर में तुम हो तो इंसान ही ना। तुम मुझे पैसों से जज कर रहे थे, अरे मैं तो तुम्हें देख के खुश हो गई थी कि तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो, चलो इतने दिनों बाद मिले हो तो मैं बैठ के तुम्हारे साथ चाय पीऊँगी, लेकिन तुमने तो 2 मिनट में मेरी इंसल्ट कर दी बस ये देख के कि मैं एक मैकेनिक हूँ। आई एम रियली सॉरी सुमित, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि इंसानों की वो जो छोटी सोच होती है ना तुम वहीं से आते हो। खैर छोड़ो, और हाँ तुम यहाँ पे जिस मीटिंग के लिए आए थे ना, आई एम रियली सॉरी बट उसका तो मैंने कंफर्मेशन किसी और को दे दिया है, वो टेंडर मैंने किसी और को दे दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने सुना ना कि तुम आ रहे हो तो मेरा मन नहीं माना कि तुम जैसे इंसान को मैं वो टेंडर दे पाऊँ। वो क्या है ना, मैं इंसान देख कर काम देती हूँ, उसके पैसे को देख कर नहीं। तुम जा सकते हो। सॉरी मैडम, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंपनी की बॉस हैं। इट्स ओके बट इस सॉरी का मैं क्या कर सकती हूँ जब इंसान ही अच्छा ना हो। यू कैन गो।